मात्र 2 सेकंड लगेंगे आपने उठा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल देंगे। ये तो ताऊ खट्टर ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी यह बात कह दी है कि अगस्त में आपका सीटी का एग्जाम ले लिया जाओगा। मोदे पर जाओ किताबा पे ताऊ खट्टर ने तो बारिश कर दी है वैकेंसी की। भाई मैं भुगत भोगी हुई चीज का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरे सामने यह परेशानी आई उड़ी है। कदे यह परेशानी आपके सामने ना आ जाए तो आप अगर आपने सीटी का फॉर्म अब तक अप्लाई नहीं कराया है तो अपना फॉर्म अप्लाई करवा लो 26 जून तक पहला। और अगर आपने सीटी का फॉर्म अप्लाई करवा लिया है तो आप इन 2 मिस्टेक का ठीक करवा लो। पहली जो मिस्टेक है, पहली मिस्टेक यह है, अगर आपका नाम आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो नाम आपका आपकी फैमिली आईडी में होना चाहिए, और वह डेट ऑफ बर्थ आपकी फैमिली आईडी में होना चाहिए। कैया के हो रहा है, आकाश नाम है और फैमिली आईडी में उसने आधार कार्ड में उसने आकाश परमार करवा रखा है, तो 10th की मार्कशीट तो आपका नाम मैच होना चाहिए, वरना आपने भविष्य में जाके परेशानी आ सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए। और रही बात आपके माता पिता का नाम की, तो कई क्यों है कि नाम में कुमार या फिर सिंह वगैरह लगवा ले हैं। मेरा जो परेशानी आई थी वह आई थी करमवीर, करमवीर मेरे पिताजी का नाम करमवीर है मेरे डॉक्यूमेंट जो है, लेकिन मेरे पापा का नाम था करमवीर, BIR और VEER, इस बात पर इशू उठा था मेरे बारे में। लेकिन आपने या परेशानी नहीं हो, आपका सिंह कुमार कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे अगर आपका सिलेक्शन हो है तो, न कि आपके माता पिता के डॉक्यूमेंट चेक करे जाओगे। तो आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट है या ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट में आपका जो नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके माता और पिता का नाम, वे नाम आपका जो सीटी का फॉर्म आप अप्लाई करवाओगे उसका मैं वे सेम नाम होने चाहिए। तो आज अपना फॉर्म उठाओ और अपनी मार्कशीट उठाओ, चेक कर लो, अगर वे सेम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जल्दी तय करेक्शन करवा लो। रही बात दूसरे की, तो दूसरी यह है, अगर आपने हरियाणा में पहला कोई फॉर्म भरा है जिसका हरियाणा HSSC फॉर्म का पेपर नहीं ले पाई, किसी भी वजह से लगा लो आप उसका पेपर उसने नहीं लिया, तो CET का जो फॉर्म है उसका मैं एक ऑप्शन अलग तक दे दिया गया है यस का, कि आपने भविष्य में पहले इस अटैचमेंट का कोई फॉर्म भरा है, अगर आपने कोई फॉर्म भरा है तो उसका डाटा उस फॉर्म में, CET का जो फॉर्म आपका, उस फॉर्म में जरूर तो जरूर दे दो, ताकि भविष्य में आगे चल के आपने किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आवे। अगर ये 2 काम आपने करवा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाए हैं तो आज करवा लो, बाकी मस्ती मजाक नो चलता रहोगा। अगर आप चाहो हो डिफेंस या पुलिस की नौकरी करना तो अपनी एक स्पेशल वीडियो आ गई है, तो आप यह वाली वीडियो देख सको हो। इसका मैं कंप्लीट अब तक जो वैकेंसी निकाली गई है डिफेंस की और पुलिस की, उसकी आपने पूरी जानकारी मिल जाओगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका वीडियो का, या आप इस आइकन पर जाके वीडियो देख सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।